रोज की सब्जियां खाके हो गए हैं बोर, तो फ्रेंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लहसुन की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी की रेसिपी, जो आप पराठे से और रोटी चावल किसी से भी खाएंगे बहुत ही मज़ेदार और एकदम चटपटी है। तो इसके लिए लहसुन की कलियां ले ली है, हमने छील लिया है। गेर देते हैं मिक्सी जाल में, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्च हमने गेर दी है, और इसमें गिरते हैं 1 टेस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेस्पून गरम मसाला और 1/2 टेस्पून नमक और 1/2 टेस्पून हल्दी। गिरेंगे इसमें पानी और दरदरा लहसुन को पीस लेंगे, और बस फटाफट मिक्सी चला दिया हमने, दरदरा पीस लिया है। और देख सकते हैं आप, अब ये हमने आधा कप के करीब दही ले ली है, यानी आधी कटोरी। अब क्या करते हैं कि जो हमने लहसुन का पेस्ट बनाया है उसे हम इसमें मिला देते हैं। अच्छे से हमें मिलाना है फ्रेंड, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लहसुन दरदरा ही पीसें। और सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला लेते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ, गैस में 1 चम्मच तेल गेरते हैं और तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। इसमें गेरेंगे 1/2 टेस्पून जीरा और जीरे को थोड़ा चटकने देते हैं। फ्रेंड रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अब जो मिक्सचर बना के रखा है उसे गेर देते हैं। अब अच्छे से हमें इसकी भुनाई करनी है, तो 5 मिनट हम इसे पकाएंगे ढक के। बस 5 मिनट में आपकी चटनी एकदम बनके रेडी हो जाएगी। कुछ धनिया की पत्ती हमने गेर दी थी फ्रेंड, मेरा कैमरा थोड़ा बंद हो गया था। और बस 5 मिनट में बनके तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट एकदम रेस्टोरेंट वाली चटनी, जो आप एक बार खाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। एक बार ज़रूर मेरे कहने से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो जा रही हूँ, मेरे मुँह में तो आ रहा है पानी, मैं तो खाने जा रही हूँ, और बस बहुत ही स्वादिष्ट।